नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नामांकन करना आया था, नामांकन कर दिया है। मुद्दे सबसे पहला तो जो है क्षेत्रवासियों के मान सम्मान का मुद्दा है। जो दूसरे नेता वोट लेने के बाद में उन्हें पहचानते नहीं, उनके काम नहीं करते। दूसरा मुद्दा रोजगार का है, शिक्षा का है, अस्पतालों का है, सड़कों का है। ये मुद्दे हमारे जो है जनता के बीच में पहले से ही इन पे हम काम कर रहे और आगे भी इसी पे काम करते रहेंगे। कई महीनों से आप क्षेत्र में जी, किस तरह का जनसमर्थन मिल रहा है? हमारे साथ में सर्व समाज बिल्कुल लोहा लाट खड़ा है। जो आज तक दूसरी पार्टियों में टिकट मांग रहे थे या किसी वजह से उनकी नाराजगी रही है, वे गए थे हमारी पार्टी से ही नेता बन के, आज वे दूसरी पार्टियों में थे, अब फिर हमारे साथ हैं। और आम जन किसी भी बहकावे में इस बार नहीं आने का, ये हमने बता दिया है। जो लोग वहाँ से गांव से 2000 रुपये खर्च करके जो है मुजफ्फरनगर में या कहीं बाहर जाके जो है नेताओं से मिलते थे, वो सिर्फ अब 10 मिनट के टाइम पे हमारे पास और हम उनके पास मिलजुल के काम कर रहे हैं। मुस्लिम प्रत्याशियों की और हिंदू प्रत्याशियों की तो बात ही नहीं है। हमने कहा है हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर्व समाज हमारी पार्टी पहले से ही जब सत्ता में थी, जब भी सर्व समाज के लोग हमारे साथ थे, सर्व समाज के लोग मंत्री बनते थे, सर्व समाज को टिकट मिलता है, सर्व समाज जो है वोट देता है। मुकाबला प्रत्याशी अभी कुछ पार्टियों के नहीं आए हैं, प्रत्याशी जो है नामांकन कर रहे हैं। कल में परसों में जैसे ही प्रत्याशी सारे सामने आ जाएंगे, पता लग जाएगा कौन प्रत्याशी मुकाबले में रहेगा और कौन जो है पीछे रहेगा। देखो, एक बात यह है कि 40-50 राजनीतिक दल एक साथ होकर चुनाव लड़े और एक साथ चुनाव लड़ने के बाद मुस्लिम समाज का 100% वोट ले गए, तब सरकार नहीं बना पाए। हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती थी और हमारा जो गठबंधन है राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो सामाजिक गठबंधन है। हम समाज के गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए सर्व समाज हमारे साथ है और हम सर्व समाज का गठबंधन लेकर साथ चल रहे। देखो, कुछ चुनाव से दूरियां रही है बहन जी। पहले भी खुद चुनाव लड़ी है, उपचुनाव हरिद्वार से उपचुनाव लड़ी थी बहन जी, लड़ी थी खुद अब, और उसके बाद भी बहुत सारे उपचुनाव लड़े हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ चुनाव नहीं लड़े, इसलिए अब पार्टी की जो रणनीति है वो सारे चुनाव लड़ने की है और सारे चुनाव बहुत मजबूती के साथ में लड़ेगी। और आने वाले टाइम में 2027 में इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। आपका अपना क्या वोट बैंक रहेगा? मेरा बताया है सर्व समाज मेरा वोट बैंक है, मुस्लिम प्लस दलित। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।